अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और सबसे पहले तो सॉरी अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइजेस आपको सुनाई दे रही होंगी। लेकिन दोस्तों, Xiaomi 11 Lite NE 5G में इस स्मार्टफोन में आज एक नया अपडेट आया है। तो बेसिकली मैं रात को सोया हुआ था एंड उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिकली रात भर में अपडेट होकर के रीस्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं ये नहीं देख पाया ये कितने MB की अपडेट थी। लेकिन दोस्तों, ये जो अपडेट आई है एक सिक्योरिटी पैच लेवल की अपडेट करने के लिए आई है, इसलिए ज्यादा फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर हम लोग जाएंगे अबाउट फोन में MIUI के वर्जन में, तो आप देख सकते हैं वर्जन है 12.5.2 और ये एक स्टेबल वर्जन है। व्हाट्स न्यू में अगर जाएंगे तो बस एक ही चीज लिखी हुई है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल को सितंबर 2021 पे अपडेट कर दिया गया। तो जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पे देखेंगे तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर 2021 का है। तो गाइस, अक्टूबर के मिड में ये अपडेट आ रहा है और सितंबर के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। लेकिन दोस्तों, OnePlus Nord 2 में भी जो अपडेट आया था वो अभी ही आया था 2 दिन पहले, एंड वो भी दोस्तों सितंबर के ही सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ में आया था। तो हो सकता है कि गूगल के एंड के तरफ से ही दोस्तों सितंबर सिक्योरिटी पैच लेवल लेट से रिलीज किया गया होगा, इसलिए ब्रांड जो है वो लेट से अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आखिर इस अपडेट में हमें क्या कुछ नई चीजें मिल जाती हैं? पहली चीज, कई लोग ये ना सोच ले कि ये जो थीम आया है इसी अपडेट के साथ में आया। नहीं दोस्तों, ये थीम मैंने डाउनलोड किया जिसका नाम है फ्यूचर डिजाइन, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफी कमाल का iOS जैसा ये थीम लगता है और काफी जबरदस्त जो है फोन में ये लुक देता है। लेकिन इस अपडेट में बस और बस हमें एक ही चीज नहीं मिलती है। तो अगर हम जाएंगे सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है साउंड असिस्टेंट, तो इसके अंदर एक नया ऑप्शन लाया गया है जो कि है वायरलेस माइक का। ये क्या है? तो अगर आप इस वायरलेस माइक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ब्लूटूथ के जरिए आप किसी भी स्पीकर को वायरलेस माइक बना सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस में जाएंगे एंड यहाँ पे अपने स्पीकर को हम लोग यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ओके गाइस, ये ऑन हो गया। उसके बाद हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करके जो भी बोलेंगे तो ये जो स्पीकर है मेरी वॉइस को ये रिपीट करेगा। हेलो गाइज, आपने देखा ये किस तरह से जो है हमारा ये वायरलेस माइक बन गया। हेलो, एंड यहाँ से हम लोग वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तो गाइज, काफी ज्यादा पास में है इसलिए इतना ज्यादा ये जो है इको हो रहा है। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ और फिर बोलने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, इस वायरलेस माइक में आपको अलग अलग सीनेरियोज भी दिए गए, जैसे कि थिएटर के लिए, हॉल के लिए, रूम के लिए या फिर ओरिजिनल के लिए। तो ये ज्यादातर काम आएगा दोस्तों अगर आप किसी कंसर्ट वगैरह में जा रहे हैं और इसका माइक का इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ सेकेंडरी, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफी बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। ये कुछ फीचर्स मिलते हैं दोस्तों इसमें, बाकी उसके अलावा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग तो नहीं देखा है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं देखा है। अगर आपको मिलता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड ओवरऑल ये जो MI 11 Lite 5G है दोस्तों, काफी कमाल तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, काफी जबरदस्त तरीके से। एंड यहां पे दोस्तों अगर मैं इसे मेंशन करना चाहूं, वैसे MIUI का डायलर तो नहीं है बट गूगल का डायलर है, एंड इसको भी अब धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। तो अगर आप जाएंगे गूगल डायलर के सेटिंग्स में, यहां पे कॉल रिकॉर्डिंग में, तो अब आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आ गया है, यानी कि जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होगा उसे ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ, ये जरूर नोटिफाई करेगा सामने वाले। अरे कितना हल्ला हो रहा है भाई, जिनका नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं होगा उसका रिकॉर्ड, बाप रे कितना चिल्लाता है रे, आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं होगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर नोटिफाई कर देगा सामने वाले को कि रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि जैसे ही वो कॉल पिक करेगा तो सबसे पहले यही बोलेगा दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। उसके बाद आप चाहते हो आप सिलेक्टेड नंबर्स में जा करके दोस्तों जहां से भी चूज कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर है आपके कॉन्टैक्ट में उनमें से भी कुछ कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज कर सकते हैं कि कौन कौन से जो नंबर है वो यहां पे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो यहां पे आप कोई भी कॉन्टैक्ट को चूज करके डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन चलो एटलीस्ट अच्छा लगा, भले ही सामने वालों को बता दें, बट एटलीस्ट ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो आया ना ये गूगल के एप्लीकेशन में, वरना पहले तो ये भी नहीं आता था। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट भी मिलता है, जो कि आप अगर ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह लगाए हुए हैं या फिर स्पीकर पे हैं तो ऑटोमेटिकली ये नंबर बोलने लगे या फिर जो नाम से सेव होगा वो नाम पढ़ने लगे, इसलिए ये ऑटोमेटिक कॉलर आईडी जो है अनाउंसमेंट का ये ऑप्शन लाया गया है। तो ओवरऑल काफी प्रेटी और डिसेंट सा अपडेट आपको यहाँ पे Xiaomi की तरफ से मिलता है एंड गूगल की तरफ से मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।